और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ओलंपिक में गए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय माननीय महेंद्र सिंह जी का आह्वान करता हूं कि वहां और हम सब युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय महेंद्र सिंह, मोहनलालगंज के वीर सपूतों, ऐसा जयकारा लगाइए कि यहां का संदेश टोकियो तक पहुंचे। दोनों हाथ उठा करके मुस्कुराबाद करके बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पूरे भारत के अंदर नंबर एक पर पहुंचाया है, जिन्होंने विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहाई है, जिन्होंने जंगल राज को समाप्त किया है, कानून का राज्य स्थापित किया है, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की चर्चा केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के देशों में हो रही है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। मेरे मित्रों, हमारे खेल और युवा कल्याण के मंत्री आदरणीय उपेंद्र जी हम सब लोगों के पुराने साथी हैं, आज के कार्यक्रम में उपस्थित है, युवाओं के लिए अच्छे अच्छे खेल के मैदान बना रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के महामंत्री, कन्नौज के सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी और हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय वैभव सिंह जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम को इस तरीके से सजाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय लोधी जी, हमारे यहाँ के ब्लॉक के प्रमुख आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ला जी, हमारी एसीएस खेलकूद युवा कल्याण श्रीमती डिंपल वर्मा जी और हमारे दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा कल्याण और खेल इनवाई के मंच पर उपस्थित हैं। अन्य अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, आपको देख कर एक गजल तरीके का उत्साह आ रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश, भगवान कृष्ण का उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ का उत्तर प्रदेश, माँ विंध्यवासिनी का उत्तर प्रदेश, शाकंभरी देवी का उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध का उत्तर प्रदेश, महावीर स्वामी का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से देते हुए टोकियो को संदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से आज संदेश दे रहे हैं। आज हमारी शुभकामना, जब आदरणीय मुख्यमंत्री की शुभकामना टोकियो पहुंचेगी, ओलंपियाड में जिस तरह हमारे खिलाड़ी जो अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं, आज से आप देखिएगा पदकों की संख्या और बढ़ जाएगी, हर खेल में विजय भारत प्राप्त करेगा, मेरा तिरंगा लहराएगा, भारत माता का जयकारा लगेगा और जो खिलाड़ी वहां पर खेल रहे होंगे उनका उत्साह और उमंग का दो गुना नहीं, चार गुना नहीं, सैकड़ों गुना आज बढ़ जाएगा मेरे मित्रों। और इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः आप सबको जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। कोविड आया था, फर्स्ट कोविड, उस समय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान
योगी आदित्यनाथ जी। आज के इस समारोह के अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री शुभेंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुब्रत पाठक जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री वैभव सिंह जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री श्री कमलेश मिश्र जी, नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार मोदी जी, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण श्रीमती डिंपल वर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित खेल निदेशक श्री आर पी सिंह जी, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के समारोह में उपस्थित युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी समेत ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के बावजूद दुनिया के खेल महाकुंभ में दुनिया के सभी प्रतिष्ठित खिलाड़ी एकत्र हुए हैं। भारत का भी अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल इस खेल महाकुंभ में गया है। मैं युवा मोर्चा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने देश के खिलाड़ियों के समर्थन में चेयर फॉर इंडिया यानी खेलो इंडिया जीतो इंडिया के भाव के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। पूरे देश के अंदर युवा मोर्चा के द्वारा आयोजन हो रहे हैं।